हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। यू आर वाचिंग कशिश व्लॉग। कैसे हो आप सभी? हम सब बहुत अच्छे हैं। एंड गाइस, हम लोग गए हुए थे मिठू दीदी के घर पे, तो वहाँ से ना गाइस हम लोगों को वहाँ से निकले सुबह ही थे आने को, मीन्स 11-12 के समथिंग हम लोग निकले थे। बट वहाँ से निकल के हम लोग दिव्या दीदी के घर चले गए क्योंकि दीदी ने हमारे लिए पाव भाजी बनाई थी। और फिर वहाँ से गाइस हम लोग कमला नगर चले गए क्योंकि आप लोगों को बता दूँ कल पापा का बर्थडे है, तो हमने प्लान किया है क्या वो सरप्राइज है, मम्मी ने अभी तक बताया नहीं। तो बस हमें ये पता कि हाँ हमें कपड़े लेके जाना है, बट एक दो दिन का ट्रिप है तो उसके लिए कुछ कपड़े वगैरह लेने थे। तो जीजू और पुनीत ने अपने कपड़े लिए और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर पे। फिर हम मिले थे नोना से एंड अभी हमें कहीं जाना है कहीं और। तो जीजू मैं गाड़ी से नहीं जा सकते थे बिकॉज गलियां छोटी छोटी हैं, तो जीजू मैं पुनीत और प्रेरणा हम लोग जा रहे हैं स्कूटी से। और बाकी मैं जस्ट अभी अभी नहाई हूँ गाइस। गाइस पुनीत मांग रहा था ऑमलेट ब्रेड, इसने मुझे बोला था बनाने के लिए, पर मैं गाइस तो इसने ना मुझसे मांगे थे कि ना जाके ऑमलेट बना दे मेरे लिए। मैंने कहा यार मुझे बनाना पड़ेगा, तो मैं मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी पुनीत को भूख लग रही है, पुनीत के लिए बना दो, तो मम्मी बना के लाई हैं। बाकी चलो गाइस अभी जाते हैं, केक वगैरह भी लेकर आना है पापा के लिए रात के लिए, जो फंक्शन करना है फंक्शन के लिए सेलिब्रेशन करना है उसके लिए रात को भी केक वगैरह लेकर आना है। तो अभी प्रेरणा आ जाए बस उसका वेट कर रहे हैं। एंड मैं तो गाइस इतना बिजी थी मैं नहा भी नहीं पाई। और अभी जस्ट फिर पुनीत आया ना, तो जैसे पुनीत आया मैंने इसे देखा, मैंने कहा कह रहा चल रहे हैं, निशी आ गई, मैंने कहा है मैं तो नहाई भी नहीं। फिर मैं फटाफट से गई नहा के आई। तो अभी आ जाए प्रेरणा, उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से और फिर हम जाएंगे तो आपको भी दिखाते हैं हमने बहुत प्यारा सा केक बनवाया आपको। तो गाइस अभी तक ना मैं फटाफट आई गाड़ी में बैठने के लिए कि मैं आगे की सीट लूंगी। निशी अभी तक तो हम दोनों ही लड़ते थे, वो तक मुझे उतार के खुद आके बैठ गया। मेरी बात हो गई तो इसका बोला तू भी आगे बैठेगा, ये कोई बात थोड़ी होती है। अरे सुन, मैं ना जीजू की जेब में से चाबी निकाल के फटाफट आई, मैंने कि तू कल से आगे बैठ रही है, मैं बैठूंगी। मेरे को उतार दिया के कह रहा आज आगे मैं बैठूंगा। जीजू आप ना ऐसा करो आगे वाली सीट हटवा ही दो, जब रोज लड़ाई होनी है आगे वाली सीटों को। तो बाकी चलो गाइस अभी हम निकले हैं पापा के लिए, हमें हॉटस्पॉट ऑन करना था अपना, एयर ड्रॉप ऑन करके बैठे इतनी देर से। सुबह तूने मुझसे हॉटस्पॉट मांगा, मैं पता पहले मैंने ब्लूटूथ खोला और उसके बाद ब्लूटूथ ऑफ करके मैंने एयर ड्रॉप खोल लिया और फिर मैं कह रही तुझे देना तो हॉटस्पॉट है। गाइस तो अभी हम पापा का कुछ गिफ्ट हम लोगों ने प्लान किया है तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। वो आपको कल दे देंगे, कल नहीं, कल फिर एंजॉय करेंगे। हाँ रात को ही दे देंगे है। हाँ फिर पापा कल पहन के चलेंगे ना। मैं भी ये बोलना चलो, बट ठीक है गाइस हम देखते हैं अभी आगे, हम बात करके ब्लॉग के बिना देखते हैं। तो सब हमने कह दी तो तुझे रात को देना पड़ेगा, नहीं देगी तो बता दूंगी पापा को तू क्या गिफ्ट लाई है। पापा सुनो, पापा इतने एक्साइटेड है, पता क्या कह रहे, रेशमी अटैची है, अटैची निकाल दे, अटैची निकाल दे, कपड़े देख ले क्या कह रहे, क्या कह रहे, अटैची निकाल दे मैं कपड़े पैक करूँ। गाइस हम लोगों ने कुछ सरप्राइज प्लान करा है और हमने प्लान वही करा है जो पापा को बहुत ज्यादा पसंद है। और पापा को नहीं, पापा को थोड़ा बहुत सा, पापा देख कहीं जा करेंगे तो पहले जा करेंगे, मेरी वाली ने बैठ जा करेंगे, और जब मैं जा करूंगा चैन चैन गुट्टी सब। कैसे मम्मी की चैन वैसे भी खो गई है तो मम्मी पापा की चैन पहन लिया करेगा। कोई नहीं जीजू, आपका नेक्स्ट बर्थडे आएगा ना, मैं सबको गोल्ड के गिफ्ट कर दिया करूंगी, तो मैं आपको भी चैन बनवाऊंगी। गोल्ड के गिफ्ट दिया करो, सही है। और फिर जब कभी पैसे की दिक्कत आएगी तो बेच बेच के उससे अमीर हो जाएंगे। तो चलो गाइस, तो गाइस गुन्नू आई थी पापा के लिए कुछ गिफ्ट लेने गोल्ड का। तो ये है मंजूटीले में दुकान, पूरा एड्रेस सियरा, काफ़ी अच्छा गोल्ड होता है क्योंकि हम हमेशा इन भैया से ही लेते हैं। तो देखो लाइन से बैठे हुए सब। हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो। अब इनको पता नहीं। हाँ तो गाइस फाइनली भैया दिखा रहे हैं क्या लेना है क्या नहीं। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे रिंग्स, इसमें साइड डिजाइन जान बनाऊंगा वही बनाएगी क्या ब्लॉग। हाँ मतलब कॉपी करना जरूरी होगा इसको। आपने इंस्टा पेज बना रखा है शॉप? तो गाइस फाइनली गिफ्ट ले ही लिया मैडम ने। ये तो केक के लिए लेट करवा दी इसका। ओहो खुद लेट करवा दी, खुद का वीडियो बनवा रही है। ओए थप्पड़ ऐसा मार ली ना, मेरी रिंग सिलेक्ट हो गई। कम बोलो कर, कम बोलो गाइस, फोन पे फोन आ जा रहे केक वाले। यहां पे हम दोनों ले चुके भैया, करो ना सब फटाफट, हमारी भैया शॉप बंद हो जाएंगी आज केक की। एंड गाइस हमने ये लिए हैं पापा के लिए,
कल मिलेगी नहीं, कल आना बंद करें, कल मिलेगी गए हुए। कैसे लग रहे हैं आपको दोनों गिफ्ट्स बताना आप लोग, और बाकी चलो अब चलते हैं केक लेने के। गाइस तो प्रेरणा, चीजू और पुनीत चले गए केक लेने के लिए, और गाइस वो रुक नहीं रहते हैं, केक वाले भैया का भी बार बार कॉल पे कॉल आ रहे थे बिकॉज उनका शॉप बंद करने का टाइम है। तो मैंने उन्हें बोल दिया तुम चले जाओ केक लेने, यहाँ पे गाइस बिल वगैरह नहीं बना था, तो मैंने कहा मैं बैठी हूँ, मैं फिर दीदी के साथ घर चली जाऊंगी, तुम लोग तब तक जाके केक ले आओ। तो वैसे केक बहुत प्यारे बने थे, केक आ जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी भैया यहाँ पे अभी बिल बना रहे हैं और फिर उसके बाद हम चलते हैं घर। होप सो गाइस पापा को गिफ्ट्स पसंद आए, दीदी को तो पसंद आया। दीदी आपको रिंग और चैन दोनों पसंद आए ना? दीदी हमने सारे एक साथ चॉइस करके लिए हैं, बाकी हम देखते हैं पापा को पसंद आ जाए बस, तो फिर हमारी मेहनत कामयाब हो जाएगी। गाइस आपको यहाँ पे एड्रेस वगैरह दो। गाइस वो ना हमें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था, मैंने आप लोगों को बताया, तो वो लोग सारे गए केक लेने के लिए, तो और मैं आ गई थी यहाँ पे पुनीत के घर। मैंने कहा कि चलो तुम लोग लेकर आओ तब तक, बिकॉज वो ना शॉप बंद करके बाहर खड़े थे कि बस बाकी केक का सामान लगा दे और केक दे दे। तो गाइस यहाँ पे हमने आंटी को दिखाया सारा सामान। आंटी आपको कैसा लगा? दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगी आंटी। आंटी हम पापा को पहली बार ऐसे कुछ दे रहे हैं, पहली बार मम्मी को भी इस बार, मम्मी के बर्थडे के लिए अच्छा लगा। मेरे को अच्छा लगा कि बच्चे मतलब कुछ करते हैं ना, मम्मी पापा के लिए तो अलग ही खुशी होती है पता है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और रेखा दीदी को पसंद आया, बाकी रेखा दीदी अभी आंटी ने ना मेरे लिए गोलगप्पे बचा के रखे हुए थे, तो स्कूल के लिए ये पापा के लिए रात को केक कट करेंगे, तो मेरे लिए गोलगप्पे रखे हुए थे गाइस आंटी ने, तो अब मैं अंकल लेके आए थे कि खाने, मेरे को अभी रेखा ने बता दिया था। तो गाइस ये देखो अभी दीदी लाई मैंने गोलगप्पे सर्व करके, हम खा रहे हैं बहुत टेस्टी गोलगप्पे। अंकल लेके आए थे, गुल्लू आ रही है, गुल्लू गोलगप्पे खाएगी। मैंने रेखा दीदी ऐड नहीं थी गाइस, लेके अपना अलग से बैठ गई है। बाकी कह रहा लविश खुशू गाइस, और सुबह हम लविश खुशू से भी मिले थे, आपने ब्लॉग्स में देखा होगा। रेखा मौसी मेरी मौसी नहीं है, मेरी तो बस नानी है। कह रहा पुनीत तू कौन है, तू कौन है, तू कहाँ से आ गया? कह रहा रेखा कौन सी मौसी? और कह रहा मेरी बस यही कहा कि मेरी मौसी थी वहाँ, मेरी बस नानी है और कच्ची मेरी है, नानी है मेरी बस, ऐसे बोल रहा। कह रहा कशिश तो मेरे भन्नाया बैठने लगा बाहर। कह रहा कशिश तू जब मेरे घर रुकने आएगी ना, तुझे यहाँ सुलाऊंगा मैं, तू यहाँ सो जाइए अकेले नए बेड पे फैल के, और कोई नहीं सोएगा, मेरा तो कोई मामा ही नहीं है, मेरी तो कोई मौसी ही नहीं है, इतना तो बोल रहा है पता है। भाई की दुकान है जहाँ से हम केक बनवाते हैं, तो आज हमने बहुत खतरनाक केक बनवाया है, मतलब ये भैया बहुत इंस्टाग्राम। गाइस ये देखो कैसे केक तैयार हो रहा है, मैं ही ले रहा सब ले बना, थोड़ा बहुत ले लो ना, कोई बात नहीं यार, सेम सेम हो रहा है, मजा मत, सब कह रहे तुम्हारे सेम बोल रहे हो, कोई बात ना डाल ले रहा है बुके। तो गाइस कशिश आ नहीं पाई तो उसका व्लॉग मैं ही ले रहा हूँ, गुन्नू कह रही मेरा व्लॉग ले लिए, मैं नहीं जा पा रही क्योंकि उसको काम था। और यहाँ देखो कितनी अच्छी कलेक्शन है, गाइस तो ये लोग आ गए वापस, तो मैं आपको दिखाती हूँ केक। गाइस ये देखो ऋषि क्यों कर रही है ऐसे, और गाइज हमारे जीजू के भी 1 लाख कंप्लीट हो चुके हैं इंस्टाग्राम पर, तो हम आए हैं सेलिब्रेशन एंड सेलिब्रेशंस, ये तो ओए अब ये पार्टी क्यों नहीं दे रहे भाई? यानी 13 तारीख को देगा क्यों? देख अच्छा हाँ, कल पापा का बर्थडे है, 12 को सालगिरह हो गई, ये उनमें पेंडिंग उनमें क्या देगा, यही पार्टी है, तो इसलिए तेज को ये बोलते हैं वैसे ही। चलो हां हां भाई 13 को क्या डे है पहले देख लो, जोन सा मर्जी हो हमें क्या, अरे हमें क्या लेना पैसे, हमें तो भाई पार्टी चाहिए, 1000 की टिकट हो 600 रुपए की, हमें क्या मतलब, कल है तो गई पार्टी, कोई बात की भाई तेरे ना है वो नाम ना ले रहे हम आपसे 13 तारीख को भाई, ठीक है फिर स्टोरी लगवा के 1 लाख करवा लिए भाई, मैंने पता लाइव आके 6 करवाए थे, 2 लाख फेक अकाउंट की, 1 लाख मैंने स्टोरी लगाई है तब गाइस, और हमने प्लान किया है कि हम पीछे ये देख, अच्छा गाइस यही बनवाया, यही बनवाया, हाँ ये अच्छा लग रहा है, लिखवाया नहीं पम्मी डेढ़ा लाया ना की अच्छा। और गाइस हमने प्लान किया कि हम पीछे टिक्की डेकोरेट करने वाले हैं, बिकॉज घर की डेकोरेशन का हमें टाइम ही नहीं लगा, हम मिठू दीदी के घर से इतनी देर में आए थे और फिर आने के बाद भी इधर उधर मस्तियां कर रहे थे, तो अभी हमने सोचा कि हम यही प्लान करें हमने कि हम पीछे सजाने वाले हैं सब कुछ। एंड ये रहा पापा का केक, और गाइस हमने सोचा था कि हम गिफ्ट्स कल देने वाले हैं, पर ना प्रेरणा ने बोला कि अभी देना है, तो हम दिखाते हैं आपको गाइस क्या क्या गिफ्ट्स लाए हैं। गाइस सीरियसली बता
था इतने महंगे गिफ्ट से अपने पापा को, मतलब हम दोनों बहनों को, मुझे भी 2 साल हुए कमाते हुए, कशिश को 1 साल हुआ है, तो हम इतना महंगा गिफ्ट पहली बार दे रहे हैं, तो हम भी एक्साइटेड है कि पापा के रिएक्शन गाइस। और हम लोगों के लिए ना ये काफी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स हैं, क्योंकि हम पहली बार पैसे जोड़ के पापा को, मतलब फिर भी मम्मी के लिए हम करते रहते हैं, जोड़ने नहीं पड़े, मतलब ये है कि हाँ थोड़े बहुत ऐसे अपने खर्चे कम कर दिए एक महीने के, हाँ। तो हो गए, मतलब अब क्या है, पहले पैसे होते नहीं थे तो पहले हम क्या करते थे, दोनों बहनों में पापा को गिफ्ट देके हम दोनों ना इमोशनल हो जाए, मतलब पहले कैसे करते थे ना गाइस, हर बर्थडे पे मम्मी हो जाएगी, मम्मी हो जाएगी, मैं अभी से ही हो रही हूँ, पापा चलो अब हो गए बहुत मिल गई, अब चलो मुझे, मतलब गाइस पता है पहले गुन्नूर में कैसे करते थे, ये अपने मतलब स्कूल के पैसे जोड़ती थी, मैं अपने स्कूल का जोड़ती थी, फिर हमारे पास मम्मी 500-700 रुपए होते थे, फिर केक भी हम तब लेके आते थे, मतलब हम गली में से 250 रुपए का केक और 500 रुपए की शर्ट लेके आते थे, तो हम उस हिसाब से इतना महंगा गिफ्ट हमने पहली बार लिया पापा। और गाइस मम्मी के लिए तो फिर भी हम लोगों को जब कभी टाइम मिल जाता है तो हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं, पर पापा के लिए ना सीरियसली ऐसा फर्स्ट टाइम है, क्या है मम्मी ना बहुत अच्छे अच्छे सूट महंगी चीजें ज्वेलरी वगैरह सब वियर कर लेती है, हम लोग सब कर लेते हैं, पापा ने आज तक महंगे कपड़े नहीं पहने, या फिर उन्हें ना इन चीजों का शौक ही नहीं है, पापा का गाइस ऐसे मिल जाओ तो ठीक है, नहीं मिलो तो पापा उसमें भी ये नहीं दिखाते कि मैं खुश नहीं है, मिल जाओ तो भी ये कहेंगे क्यों लाए, हाँ पापा मतलब ना पापा को भी ना पम्मी आए तो पापा समझ गए, पम्मी आए पुनीत खड़ा हो गया, गुन्नू खड़े हो गए, मैं खड़े हो गए, हम चल रहे हैं, तो पापा समझ गए, तो कह रहे कुछ महंगा मत लाना, मैंने कहा हम क्या कुछ ला ही नहीं है, तो गाइस हम लोग बस ये है कि पापा खुश हो जाए तो हमारा बस वहीं पे सफल हो जाएगा, कि हम जो भी पापा के लिए किया पापा हो गए सेटिस्फाई, तो हम दिखाते हैं आपको हम क्या क्या लेकर आए पापा के लिए, पुनीत ये खोलना जरा, पुनीत गाइस सी पापा को हम सोने में तोलना चाहते हैं गाइस, तो धीरे धीरे ये दो ही चीजें हैं, पर हाँ धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा बजट बनता जाएगा गाइस हम पापा को 10 की 10 अंगूठियां बना के देंगे, 3-4 चैन पापा के गले में हो, मुझे लगा तू हाथ दिखा रही, तेरे हाथ में भी कुछ देखना है, है तो ठीक है चल, पुनीत कह रहा है ठीक है चलो अंगूठी मेरी चैन भाई साहब की, पुनीत की मार रखी हो क्या, मम्मी की चैन भी और अंगूठी भी मेरी गले में, ऐसे ये अंगूठी गाइस प्रेरणा ने दी थी पुनीत को, पुनीत के बर्थडे पे पुनीत ने अभी तक संभाल रखी, पुनीत को लूज हो गई तो पुनीत ने चैन में डाल ली, लूज नहीं हुई सही है तो टाइट हुई, आप बोल रहे थे ना लूज हो गई, तो चलो गाइस चलते हैं घर और फिर मिलते हैं आप लोगों से गाइस, तो हमने ना घर आगे है, हमने गली के कॉर्नर पे लगाई है गाड़ी, और यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं इसमें फ्लावर्स, ठीक है कोई बात, दुकान पे वो ले आइयो बलून्स का पैकेट, बलून्स का पैकेट कहाँ से ले, तो गाइस यहाँ पे गाड़ी डेकोरेट हो रही है, मेरा आइडिया ना चले बिल्कुल भी, तो यहाँ पे रोजेस जल रहे हैं, पम्मी को भूख लग रही है, गली में ही खड़े हैं हम लोग, गली के कोने पे कर रहे हैं गाड़ी डेकोरेट, अरे यार इतनी धूप लग रही है यार, सनग्लासेस लगा तू, क्या करना है गाइस, तो सी अभी ना केक हमने रखवा दिया है और ये हमने ऐसे रख दिया है, बाकी अभी ना हम लेकर आएंगे जब पापा को, तो गिफ्ट्स हम रख देते हैं ऐसे से कॉर्नर में, ठीक है, और बाकी जब केक वेक कट होगा तो आएंगे, आज हमारी गाइस खंबे की भी लाइट नहीं जली, कोमल इसे अंदर ले जाए, कोमल ये बहुत बदतमीज को होती जा रही है गाइस, कोमल आंटी की तरह को पता है बात ऐसी होती है, पुनीत बंद करो ना खोल के क्यों रख रहे हो यार, तोड़ना खोलिया यार, मेरे को बोल रही है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने रखी है यार, खोल क्यों रही है, तो खोल के ही तो ऐसे रखेंगे, अबे इससे जला देना, मम्मी एक ही तरफ आप ये लेके खड़े हो, एक तरफ पुनीत होगा, ओए इसे ना पहले देख लो फोड़ने को, हमेशा ना पता हर किसी के साथ ऐसा होता है केक कट जाता है और ये खुलता ही नहीं है, पापा के लिए दारू ही दारू सजवा दी, चलो लो जा पापा को दे दे, पापा को दे दे, नोना जा पापा को दे, हाँ कोमल नो जी फोन, लाइटर दे तो दी, मिल तो गया आपको सेल बोला था ना तेरे को एक बार, दे तो दिए दो सेल, सेल मैंने दे तो दिए दो आपको, हाँ उसमें डाल तो दिए वो लगा लो बस, सेल डाल तो दिए, हाँ लेके आई हूँ मैं रिमोट के निकाल, सुन गुन्नू इसी बारे में थोड़ी सी रील बना लियो, रील साउंड कम कर दे फिर, कोमल कर दियो ना गाइस, हम अपनी रील और वीडियो के चक्कर में चल रहे हैं, पापा नोना पकड़ लेंगे, कोमल पकड़ा ले, निशी में ये नहीं है, ये बंद, पापा आएंगे ना जब मैं ऐसे फोड़ूंगा फिर रील बनाएंगे, नहीं निशी को भी आने दी वरना वो दुनिया भर का भाषण सुनाएगी, फुटेज खाने के लिए आ रही हूँ मैं, देखना यार मतलब रील तो बड़ी साफ आ रही है, हाँ
ओए पापा को दे देना नोना कोमल। अबे हट जाओ ना, 90 सेकंड की कर ले, 90 सेकंड। वो बोलेगी तेरे को पता नहीं राक्षसनी। तो भाई हमें भी ब्लॉग बना ले, शट अप। चल अरे कोई बात नहीं, ओए कोने उसके बैठ, नहीं कोई बात नहीं। पापा हैप्पी बर्थडे। पापा आ गए। हैप्पी बर्थडे टू यू। पुनीत चिड़िया मत, तालियां तो बजा दो। सबके हाथों में फोन है। आ जाओ पापा। निशी तू तो बड़ी मेंटल है, पापा को ही खोलने देती कम से कम। दूसरा जीजू उस साइड से। पापा ओए नोना पापा वाली होगी आज। पुनीत पापा को उधर जाके फोटो नहीं है। पापा अब तो नोना बाबू वाली बन गई होगी। गाइस पुनीत तू उधर को, उधर को किसी तरी आग तो कुछ लग गया। जीजू हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे पापा। देखिए इतनी वो बनती है केक वाली लड़की। इसको ले लोगे जरा पम्मी एक मिनट। अरे तो हम नहीं देगी ना उसका केक कटा। पापा कह रहे हैं केक, पापा अपने गिफ्ट्स को ले। पापा कह रहे हैं केक जाओ भाड़ में। भाई बना दो यार, कोई पता नहीं फोन नहीं पकड़ रहा। तुम सब नकली बंदे हो, अंकल ये लो नीट पी जाओ। अच्छा इतनी हमें हिम्मत नहीं है नीट पी लो। पुनीत ने कौन हो आप? अरे बहन जी कौन हो आप? क्या हो रहा है? कोमल को देगा, कोमल का नहीं। कोमल ऐसे कोमल से मेरे को बोलना ही नहीं। अब कौन है? पापा पुनीत आपको पिला रहा है यार। पापा आओ अपने गिफ्ट्स ओपन करो फटाफट। ये ले पहले, रुक जाओ पापा ये मुंह करके खोलो। मैं नोना को ले लो, ये गुन्नू का है पहले ये खोलो। वो भी तो रील बनाएगी तो दोबारा बना लेगी। ओए साउंड मत चलाना पर निशी के, उसमें साउंड कम कर दो। पापा चलो अपने गिफ्ट खोल के देखो फटाफट। हां इधर करो, उधर रील बनानी हो ना बता दियो। चलो खोलो, चलो पापा फटाफट खोल के देखो। ये ले ये मेरे पहना दो दे पापा को। ये गुन्नू का है, गुन्नू रील बना लेंगे पहले। लो दूसरा लो, आ गया भाई जल्दी लो, व्लॉग खत्म हो जाएगा। रील कर दूं? तूने अभी स्टार्ट ही नहीं करी। इतना खर्चा करे भाई। अबे यार मैंने तो एक से भड़के एक चूतिया रख रखी है। तू बना रहा है, काट दे। तो यहां पे अब हमारा कट रहा है सेकंड केक। सेकंड केक है जीजू के 1 लाख का, तो हम वो भी कट कर रहे हैं अब। ये और मैं भाड़ा ये छोड़ देगी। मैं तो ये वाला केक खाऊंगी। गाइस चलो इसी के साथ करते हैं इस वाले वीडियो का एंड। कल हम जाएंगे कहीं घूमने स्पेशल सी जगह पर, तो आपको भी कल ही बताएंगे। एंड ब्लॉग्स देखना मत भूलना, कल वाले भी वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आने वाले, बिकॉज हम बहुत अच्छी जगह जाएंगे। पापा की हाँ भी चला रही हूँ, पापा की फेवरेट है ऑलमोस्ट वो जगह। तो कल ही मिलते हैं वहाँ पर। बाकी इस वाले वीडियो का करते हैं एंड। आपको ब्लॉग कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना, और कॉमेंट सेक्शन में बहुत सारी विश देना पापा को भी, और आप लोगों के पापा का बर्थडे कब आता है ये भी कॉमेंट करके बताना। चलो इसी बहाने मुझे भी आप लोगों के पापा का बर्थडे पता लग जाएगा। यस गाइज, और प्रेरणा का सॉन्ग भी आज ही आ चुका है इंस्टाग्राम पर। आप सर्च करेंगे PLAZO प्लाजो, और प्लाजो के आगे आपको लिखना है पम्मी डैडा। उस पर आपको प्रेरणा और पम्मी जीजू की पोस्टर दिख जाएगा, जो कि प्रेरणा ने अपलोड भी कर रखा है। तो आप लोग जाओ गाइज इंस्टाग्राम पर, बहुत सारी रील्स बनाओ। आप लोग मुझे या फिर पम्मी जीजू को या फिर प्रेरणा को कोलैब भी भेज सकते हो। अगर हमने आपका कोलैब देखा तो हम उसे एक्सेप्ट जरूर करेंगे। तो वैसे मोस्टली हम सभी स्टोरीज अभी चेक कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग अभी मीन्स अभी रिलीज हुआ था रात को 12:30 के समथिंग, और इतने सारे लोगों की स्टोरी लग गई थी तो हमने सारी ऐड बैक करी। तो अगर आप लोग भी कोलैब भेजते हो तो हम जरूर एक्सेप्ट करेंगे। बाकी चलो कल के व्लॉग के साथ मिलेंगे। आज वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एंड बाय गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।